नमस्ते बिहार, मैं हूँ आपके साथ शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। तीसरी बार पीएम बनने के बाद आज पीएम मोदी का पहला बिहार दौरा होने जा रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कैंपस का उद्घाटन किया जाएगा और इसे लोगों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी का प्राचीन खंडहर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखने वाले हैं। इसमें नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के राज्यपाल भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि वाराणसी से विशेष विमान से गया एयरपोर्ट सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद पीएम मोदी गया एयरपोर्ट से सेना के हेलीकॉप्टर से नालंदा जाएंगे। सुबह 9:10 पर गया एयरपोर्ट पर पीएम मोदी पहुंच जाएंगे। पीएम के आगमन को लेकर गया एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला दौरा एक बार फिर से बिहार में पीएम मोदी का, और आपको बता दें कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन इसलिए भी होने जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय, जो एक वक्त में पूरे विश्व में विख्यात था, उसके नए कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और तस्वीरें भी हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। आप बता दें कि पीएम मोदी आज करीब 9:10 पर सबसे पहले गया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से नालंदा जाने वाले हैं जहां इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। आप बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार और राज्यपाल भी पहुंचने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आज आने वाले हैं। कल ही आपको हमने बताया था, कल पीएम मोदी वाराणसी गए थे और वहीं से सीधे वो अब गया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आज करीब 9 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है, 9:10 पर वो गया एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नालंदा पहुंच रहे हैं जहां वे नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार, राज्यपाल के साथ ही कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। वहीं 17 देश के राजदूत के साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार यहां पहुंचेंगे और जो है नालंदा खंडहर का अवलोकन करेंगे। अब देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व जो है सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। खास करके यहां पर एसपीजी के अलावा सेंट्रल फोर्स और स्थानीय पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है। देख सकते हैं किस तरह से जो है राजगीर से लेकर नालंदा खंडहर तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है तथा बारीकी से जाँच की जा रही है। लोगों को जो है आई कार्ड देखा जा रहा है तो लोगों को जो है किसी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान अंदर ना ले जा सके, इसको लेकर भी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा बल जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और खास करके नालंदा खंडहर के पास जो है सुरक्षा व्यवस्था विशेष व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, आज जो है राष्ट्र को, आज नालंदा यूनिवर्सिटी को समर्पित किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे तो एक बड़ी सौगात जो है देश और दुनिया को मिलने जा रही है। इसको लेकर जो है आज तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो पूरे देश और दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में भारत का मान बढ़ाने वाला नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस नए विश्वविद्यालय के भवनों का आज उद्घाटन होना है। पीएम मोदी के नालंदा दौरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ रहेंगे। फिर लौटेगा नालंदा का गौरव। आधुनिक और इतिहास का अनूठा संगम है नालंदा विश्वविद्यालय। शिक्षा का केंद्र बनने के लिए तैयार है बिहार। दुनिया की सबसे पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी एक बार फिर अपने पुराने वैभव के साथ देश को गौरवान्वित करने के लिए बनकर तैयार है
800 सालों तक दुनिया में शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय में एक बार फिर देश और दुनिया के छात्र पढ़ाई करेंगे। सैकड़ों साल बाद एक बार फिर नालंदा विश्वविद्यालय आधुनिक सुविधाओं के साथ अपने इतिहास को दोहराने जा रहा है। सालों की कड़ी मेहनत से तैयार हुए नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी 19 जून को उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ ये दिन भारत और बिहार के इतिहास में एक बार फिर से स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे, जो नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्जीवित होने का साक्षी बनेंगे। पीएम के दौरे को लेकर नालंदा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली है। जिन रास्तों से होकर पीएम का काफिला गुजरेगा वहां बैरिकेडिंग कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन कर जहां नालंदा को एक बार फिर शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र के विश्व धरोहर में शामिल नालंदा खंडहर को भी देखने जाएंगे। लाल पत्थरों से बने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में आधुनिकता के साथ उसके मूल स्वरूप का भी खास ख्याल रखा गया है। नए स्वरूप में पुराने स्थिति को प्राप्त करना कठिन है। उस समय जितने भी शिक्षक होते थे वो सारे भिक्षु होते थे, तपस्वी होते थे। आज हम लोग दुनियावी लोग हैं, और उस स्तर का ज्ञान भी नहीं है, ना हमारे पास है और ना लेने वाले के पास है। तो पुराने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थिति को प्राप्त करना हमको नामुमकिन लगता है। हाँ, उस ओर बढ़े हैं, अब दूरी कितनी तय होगी उस समय बताएगा। 456 एकड़ में फैला है नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस। 100 एकड़ में सिर्फ 4 तालाब बनाए गए हैं। 150 एकड़ में सिर्फ पेड़ लगाकर पर्यावरण का ख्याल रखा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय में एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी बन रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में 40 कक्षा के साथ 2 शैक्षणिक ब्लॉक भी हैं। शैक्षणिक ब्लॉक में 1900 छात्र एक साथ बैठ सकते हैं। कैंपस में 2 सभागार हैं, दोनों की क्षमता 300-300 छात्रों के बैठने की है। 550 छात्रों के रहने के लिए एक बड़ा छात्रावास भी बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर इसे देश और दुनिया भर के छात्रों को समर्पित करेंगे, जो आने वाले वक्त में यहां रहकर पढ़ाई कर सकेंगे और नालंदा के इतिहास पर शोध कर सकेंगे। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे और बात अब अगली खबर की। अररिया में पुल ध्वस्त मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। सहायक और जूनियर इंजीनियर निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने ये कार्रवाई की है। इसके साथ ही ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट में डाला जाए इसकी प्राथमिकी दर्ज कराने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्य अभियंता पूर्णिया की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है और 7 दिन के अंदर ही जांच कमेटी ये जांच रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई इस मामले पर की जानी है। लेकिन अब आपको बता दें कि कल ही बकरा नदी पर बना पुल गिर गया था और इसी वजह से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें सहायक और जूनियर इंजीनियर निलंबित कर दिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो बिहार में एक बार फिर उद्घाटन से पहले ही पुल ध्वस्त हो गया। इस बार अररिया जिले के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल धराशायी हुआ है और इससे पहले भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिरकर ध्वस्त हो गया था। गंगा नदी पर बन रहा पुल एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार बनने से पहले ही गिर चुका है। बिहार में नदी पर बन रहा एक और पुल लापरवाही की भेंट चढ़ गया। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल मंगलवार को भरभरा कर गिर गया। बकरा नदी पर बने इस पुल का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही करीब 12 करोड़ की लागत से बना ये पुल धड़ाम हो गया। पुल का निर्माण
सिकटी प्रखंड क्षेत्र के बड़रिया घाट पर पुल का निर्माण किया गया था। पुल के तीन पिलर नदी में जैसे ही धसे वैसे ही पुल का बड़ा हिस्सा नदी में विलीन हो गया। जिले के ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा ये पुल तैयार किया गया था। जमीन पर ही पिलर गाड़ कर तैयार किया गया था। अप्रोच रोड भी नहीं बना था। करीब 12 करोड़ की लागत वाली करीब 100 मीटर का ये पुल था, पर उद्घाटन से पहले ही ये भरभरा कर ध्वस्त हो गया। बिहार में पुलों का गिरने का सिलसिला नहीं थम रहा है। पिछले साल ही जून में सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिर गया था। उसके बाद इस साल मार्च में सुपौल में कोसी नदी पर बन रहे पुल का स्लैब गिर गया था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। अब अररिया के सिकटी में गिरे पुल के बाद एक बार फिर सरकार के पुल निर्माण से जुड़े कार्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। वहीं मोतिहारी में लाल बेगिया पुल का अप्रोच रोड धंस गया, जिसके कारण आवाजाही काफी प्रभावित हो गई है। भारी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको देर रात की दिखा रहे हैं, जिस वक्त ये हादसा हुआ है। आप बता दें कि मोतिहारी का ये लाल बेगिया पुल है, जिसका अप्रोच रोड धंस गया है। इसकी वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है। जितने भी भारी गाड़ियां हैं उसके प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, और इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है। सीएम ने सोमवार को एक साल में 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी का ऐलान किया, और उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए, जिसके बाद अब रोजगार दिए जाने के लक्ष्य को पूरा करने को लेकर मिशन मोड में काम भी शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग में बंपर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने 13,267 पदों पर 4 महीने के अंदर बहाली को लेकर निर्देश दिए हैं। 2,724 आयुष चिकित्सक और करीब 4,500 CHO, 757 मेडिकल ऑफिसर, 220 ऑप्थोमिक असिस्टेंट, 2,500 स्टाफ नर्स, 1,229 ANM, 982 लैब टेक्नीशियन, 38 लॉजिस्टिक मैनेजर, 97 अस्पताल प्रबंधक, 38 ब्लॉक अकाउंटेंट, 54 प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक, 128 प्रखंड अनुश्रवण सहायक की बहाली होनी है। सहरसा बेतिया छपरा में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं एम्स और GMC पूर्णिया में थैलेसीमिया डे केयर यूनिट स्थापित किया जाएगा। तो इन दिनों बिहार में रोजगार के बयार की बात हो रही है। लाखों नौकरियां देने की घोषणा नीतीश सरकार कर रही है, तो सोमवार को सीएम के निर्देश पर लाखों नौकरी दिए जाने का ऐलान किया गया। तो अब विपक्ष नौकरी पर क्रेडिट लेकर सरकार पर दबाव की राजनीति बना रहा है। 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार को 7 निश्चय Part 2 के तहत दिए जाने की घोषणा के बाद पटना के JDU दफ्तर में पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ना सिर्फ रोजगार को लेकर सरकार का पक्ष रखा, बल्कि विरोधियों पर क्रेडिट लेने को लेकर जोरदार पलटवार भी किया। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने और टूटने के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा नौकरी और रोजगार ही बना है। अब जब तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो बिहार सरकार भी 7 निश्चय Part 2 के तहत नौकरी का पिटारा खोल रही है। सोमवार को सीएम के निर्देश पर सभी विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया, तो अगले ही दिन मंगलवार को जेडीयू के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि सरकार अपने वादे से 1.5 गुना ज्यादा नौकरी देने जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, सभी विभागों को भी निर्देश मिला है, हम लोग मंत्री हैं, सभी को मिला है कि ये मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है और हम बिहार के युवाओं को सरकार की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि ये जो हमारी उपलब्धि है और खास तौर से जो हमने लक्ष्य रखा था उसके विरुद्ध, जो उस मामले में रोजगार देने के मामले में भी हमने लक्ष्य से अधिक सफलता हासिल की है। नौकरी पर सरकार का दावा यह है कि
कि 10 लाख का वादा था, अब 22 लाख रोजगार दिए जाएंगे। 5,16,830 सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 1,99,896 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। 2,11,000 रिक्तियों की सूचना आयोगों को भेजी जा चुकी है, जबकि 3 लाख रिक्तियां अगले साल तक भेज दी जाएंगी। मतलब सरकार ये साफ तौर पर कहना चाह रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की सरकार वादे से 1.5 गुना ज्यादा नौकरी देकर रहेगी। मंत्री विजय चौधरी कहते हैं कि नौकरी पर श्रेय लेने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर विजय चौधरी ने कहा कि सरकार महागठबंधन की सरकार से पहले भी नौकरी दे रही थी और गठबंधन के जाने के बाद भी नौकरी दी जा रही। यह स्पष्ट है कि भले कोई व्यक्ति या कोई पार्टी कुछ भी दावा करे, लेकिन आपके सामने जो आंकड़े आए हैं और वो सभी आंकड़े प्रामाणिक हैं, सभी विभागों से संकलित आंकड़े हैं। सरकार के दावों पर विपक्ष पलटवार कर रहा है और क्रेडिट लेने की बात कह रहा है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि बिहार में नौकरी का श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है। बिहार में नौकरी का श्रेय तेजस्वी जी को जाता है। 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी ने बिहार के युवाओं से वादा किया था कि सत्ता में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो 17 महीने का मौका मिला नीतीश जी के साथ काम करने का, मिशन मोड में काम किया। चुनावों में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के नौकरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, अपने घोषणा पत्र में मुफ्त योजनाओं का जिक्र भी किया था। अब इसी की काट के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार वाला दांव चल दिया है, जिसे किसी भी हाल में विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करने का निर्देश दिया गया है। और रोजगार के इसी चाल पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार की तरफ से दी जाने वाले नौकरी के फैसले का स्वागत किया है। गिरिराज सिंह ने श्रीमती कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि एनडीए सरकार में जो काम शुरू हुआ उसका असर अब दिखने लगा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार लगातार रोजगार को लेकर बेहतर पहल कर रही है। नेतृत्व में एनडीए सरकार, भाजपा और जनता दल यू सहित ये संकल्पित है लोगों को रोजगार देने। जब हम सम्मिलित एनडीए थे उस समय शिक्षकों की बहाली की शुरुआत की थी, जो अभी आपने देखा होगा 1.5 लाख नीतीश कुमार ने लगभग लोगों को रोजगार दी थी। ये रोजगार ही बिहार सरकार और केंद्र सरकार का लक्ष्य है, लेकिन देश में अब जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून कैसे लागू, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी भी एक समस्या है। बिहार में संभावित बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रीमती कुमार की अध्यक्षता में पटना में बाढ़ और सुखाड़ के पहले तैयारी को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक हुई। बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री के साथ साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बाढ़ और सुखाड़ दोनों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग के अधिकारी और सभी जिलों के डीएम को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 9 करोड़ 26 किसानों के खाते में 20,000 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से ट्रांसफर की। तो वहीं इस दौरान पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में कृषि विज्ञान केंद्र में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह शामिल हुए। इस कार्यक्रम में किसान और कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से जितनी राशि लाभुकों को भेजी जाती है उतनी राशि उन्हें मिलती है। लालू यादव हो, तेजस्वी हो, राहुल गांधी हो, कम्युनिस्ट हो, भारतीय जनता पार्टी का काम का कार्यकर्ता उनसे बहस करने को तैयार है।
1300, आज क्या है 2200। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले